हेलो फ्रेंड्स, इन्वेस्ट फॉर एवर में आपका एक फिर से स्वागत है। दो वीडियो आज की डेट में आ चुके हैं यहाँ पर, अगर देखेंगे एक्सारोटाइज और रूट मोबाइल से रिलेटेड, तो अच्छे टारगेट यहाँ पर नजर आ रहे हैं। दोनों में मैं ऑलरेडी इन्वेस्टेड हूँ और नीचे लेवल पर आपको भी बताया था, दोनों यहाँ पर भागते हुए अच्छे रिटर्न दे रहे हैं। बट स्टिल आई एम थिंकिंग टू इन्वेस्ट इन एक्सारोटाइज मोर, क्यों उसके लिए वीडियो देखिए। बाकी अगर बात करें, यहाँ पर प्लेलिस्ट है, गो थ्रू करिए। बाइंग सेलिंग की कोई भी रिकमेंडेशन है, अपना फाइनेंशियल एडवाइजर, खुद की स्टडी करनी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, देखिए बाजार में हाथी और शेर इस तरीके के भी स्टॉक्स हैं, जो कि अगर हम बात करें आज की डेट में गिरते हुए नजर आए हैं और उनमें शायद एक आध दिन की और गिरावट हो सकती है। और ऐसे में एक मौका बनता है उन स्टॉक्स को अपने पास रखने के लिए। अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो उन स्टॉक्स को तो रखिए ही रखिए, बट अगर कोई शॉर्ट टर्म वाला भी है ना, तो उन स्टॉक्स में स्विंग ट्रेडिंग करके अच्छा पैसा कमा सकता है। उन स्टॉक्स से रिलेटेड बातें करूंगा, बट बिफोर दैट वीडियो में आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल, जो आपका खुद का चैनल है इन्वेस्ट फॉरएवर, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक फैलाइए, सब्सक्राइब कराए, शेयर करें और सपोर्ट करें हमें जितना भी हो सकता है। और यहाँ पर वीडियोस इसी तरीके से बनाई जाती है, नीचे लेवल पर शेयर खरीदे जाते हैं। कोई भी वीडियोस यहाँ पर देख लीजिए, आपको ऐसे लेवल पे यहाँ पर वीडियोस मिलेगी कि जहाँ पर आपका रिस्क कम रिवॉर्ड ज्यादा होगा, और मोस्टली रिवॉर्ड ही मिलता है हमें, रिस्क बहुत कम मिलता है, बट स्टिल रिस्क मिलता ही है। ऐसी बात नहीं है कि हम कोई ज्ञानी है, हम पर सर्वत्र है, ओके, ऊपर वाले के आगे और मार्केट सुप्रीम है। तो इस चीज को याद रखिएगा, किसी की भी नहीं चलती जब नहीं चलनी होती, और जब सब चलनी होती है तब सबकी चलती है। तो इस चीज को देखते हुए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर है, यहाँ पर आप हमें पिंग करिए। हमारी सर्विसेज लेना चाहते हैं, कोई लीजिए 500 टू 1000 रुपीज के आसपास की, और 2000 रुपीज के आसपास की सर्विसेज है, एज अकॉर्डिंग टू आपको लगे आप यहाँ पर हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं, जानते हैं स्टॉक से रिलेटेड, हम जिस स्टॉक से रिलेटेड बातें कर रहे हैं ना, ओके, वहां पर हम यहाँ पर देखेंगे उस स्टॉक से रिलेटेड। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कुछ चीजें। तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर जाते हैं और यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर निफ्टी का अगर हम आईटी इंडेक्स यहाँ पर देखते हैं, तो देखिए यहाँ पर एक अच्छी खासी आज के दिन में 3.36% की गिरावट थी। इससे पहले स्टॉक्स यहाँ पर जो इसमें रैली थी, वो एक 10,000 पॉइंट्स की रैली एक साथ आती हुई दिखाई दी थी, लगभग 10 नहीं 12,000 पॉइंट्स की रैली आती हुई दिखाई दी थी। और यहाँ पर अब एक कंसोलिडेशन फेज यहाँ पर चल सकता है, तो इस चीज को थोड़ा सा याद रखिएगा। इसके अलावा पहले कुछ कॉन्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर अगर मैं आप देखूं तो निफ्टी स्मॉल कैप, देखिए हम इस चीज को भी हमें हमेशा देख ट्रैक करना पड़ता है, ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, ओके। और यहाँ पर जब ये गिरावट हुई थी, मैंने आपको बताया था कि ये अभी और भागेगा, तब ये ऑलरेडी यहाँ पर भाग भी चुका है। यहाँ पर देखिए लगभग 1300-1400 पॉइंट यहाँ पर भाग चुका है। इसी तरीके से मिड कैप भी भागता हुआ नजर आ रहा है, बट यहाँ पर अब थोड़ा सा कॉशियस रहना और प्रॉफिट बुक करना, क्योंकि 10-15% की गिरावट, जैसे ये बीच में गिरावट हुई थी ना, इसी तरीके की गिरावट अब दोबारा यहाँ पर एक बार हो सकती है। तो अगर लेवल की बात करें तो शायद ये 500-600 पॉइंट यहाँ पर गिर सकता है, तो इस थोड़ा सा यहाँ पर कॉशियस रहिएगा। इसके अलावा कुछ चीजें हैं जो कि यहाँ पर इंडिकेट करती है कि गिर सकती है। अगर इंडिया विक्स की बात करें तो इंडिया विक्स भी यहाँ पर हमें घूमता हुआ नजर आ रहा है, तो यहाँ पर आज के दिन में गिरा था, फिर उसके बाद रिकवर हुआ, और यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है यहाँ पर भी एक कव्विद हैंडल पैटर्न बन के शायद ऊपर की तरफ निकले। तो हमें थोड़ा सा कॉशियस रहना है, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। तो जिसमें प्रॉफिट हो रहा है प्रॉफिट भी बुक करते रहिए, अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी। ये बस सोचिएगा कि ये अभी बेच देंगे कल भाग जाएगा, तो भाग जाएगा कोई इशू नहीं है, दूसरे स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर लेंगे। ऐसे आते रहते हैं स्टॉक, जाते रहते हैं। तो हम बात करते हैं सिंपल, हम कुछ स्टॉक से रिलेटेड जो कि गिरते हुए नजर आए। अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो देखिए निफ्टी का आईटी इंडेक्स है, यहाँ पर एक बेहतरीन बेहतरीन स्टॉक्स कोई 5%, कोई 4%, कोई 2%, कोई 1% यहाँ पर गिरते हुए नजर आया। बट इनमें से कुछ स्टॉक्स है जो कि बहुत ज्यादा यहाँ पर गिरते हुए नजर आए। अगर किसी को लॉन्ग टर्म के व्यू से खरीदना है या शॉर्ट टर्म के व्यू से खरीदना है, उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे, अगर किसी का लॉन्ग टर्म का व्यू है तो TCS से बेहतरीन कोई यहाँ पर नजर नहीं आता, ओके। यहाँ पर अगर हम आज के दिन की बात करें, 6% ये गिरता हुआ नजर आया। लास्ट जब ट्रेडिंग सेशन था, ऑल टाइम हाई के आसपास 4000 पे ये ट्रेड कर रहा था, अभी 3700 के आसपास ट्रेड कर रहा है। और 50 DMA, याद रखिएगा 50 DMA पे सपोर्ट ले रहा है, शायद यहाँ से घूम के ओके ये 400-500-600 पॉइंट का यहाँ पर जंप दे सकता है। इसके रिजल्ट अच्छे रिजल्ट थे, कुछ लोगों को पसंद नहीं आए, बट स्टिल यहाँ पर बात करें ईयरली क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी ने बेहतरीन परफॉर्मेंस किया है। और ये एक ऐसा स्टॉक्स है जिसने आपके 50,000 को करोड़ों में बदला है, तो थोड़ा सा समझने की जरूरत है। ये दिग्गज शेयर है, इसको तो बीट करना कोई मुश्किल कोई नहीं कर सकता। बट अगर हम बात करें तो ये जो एक शेयर है ना, थोड़ा स्लो चलेगा,
बट स्लो एंड स्टडी ऑलवेज विंस द रेस, तो वही वाला हिसाब है, कछुए की चाल चलेगा बट आपको जिता के दिखाएगा। किसी को आंख बंद करके ही पैसा लगाना है ना, FD से ज्यादा रिटर्न देता हुआ नजर आएगा, इन्वेस्ट करके छोड़ दीजिए। इसके अलावा हम कुछ और स्टॉक से रिलेटेड बातें करेंगे जहां पर थोड़ा सा इससे ज्यादा मूव आ सकता है, तो उसकी अगर हम बात करें तो देखिए कोफोर्ज, कोफोर्ज की अगर मैं बात करूँ, यहाँ 50 DMA के आसपास आ जाता हुआ दिखाई दिया था, यहाँ से रिकवर हो गया लगभग 200 पॉइंट, तो यहाँ पर फिर भी 5% की यहाँ पर गिरावट है। तो ऐसी अपॉर्चुनिटी जब मिले ना आपको ड्यूरिंग द मार्केट या कैसे भी, तो देखिए यहाँ पर एक बेहतरीन सपोर्ट है इसका, और यहाँ पर 50 DMA में ये शेयर जब भी आपको मिले, मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि बस आंख बंद करके यहाँ पर इन्वेस्ट करिए। ये भी एक बेहतरीन स्टॉक्स है और इनके रिजल्ट आने वाले हैं, और जैसे जैसे इनके रिजल्ट आ रहे हैं, आने वाले हैं कुछ के, तो यहाँ पर बेहतरीन ये शेयर मूव करते हुए दिखाई देंगे। तो कोफोर, इसके अलावा हम बात करेंगे एक और पर्टिकुलर स्टॉक से रिलेटेड जिसका नाम है माइंडट्री। माइंडट्री की अगर मैं बात करूं, 50 DMA पे आई नहीं रहा, लास्ट टाइम मैंने आपको यहाँ पर वीडियो यहाँ पर बनाई थी लास्ट टाइम वीडियो, जब ये 2200-2400 रुपए के आसपास चल रहा था, और मैंने आपको बताया था ये शेयर 700 रुपए का मूव देता है, बट इसने 700 का नहीं, इसने 2000 रुपए तक का यहाँ पर मूव देता हुआ नजर आया है। यहाँ पर ऑल टाइम हाई की बात करें 4700 से ऑलरेडी यहाँ पर नीचे गिर गया, आज की डेट में अच्छा खासा 4% गिरा है, बट 4 से भी ज्यादा गिरता हुआ नजर आया था ये शेयर। अगर आपको 4000 के आसपास के लेवल पर अगर ये शेयर आपको मिलता है ना, तो इसे एक्वायर कर लीजिएगा, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, तो अच्छा खासा यहाँ पर ये शेयर मौका देता हुआ नजर आएगा, और शायद ये थोड़ा बहुत और गिर सकता है, तो यहाँ पर 3700 तक भी आ सकता है। तो बाय एंड डिप्स करके स्ट्रेटेजी अपना के इस शेयर पे नजर बनाइएगा। इसके अलावा एक और स्टॉक्स की बात करेंगे, इंफोसिस। इंफोसिस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये शेयर काफी बेहतरीन शेयर है, आज के दिन में ये 50 DMA को टच करता हुआ नजर आया, शायद ये दोबारा मौका दे सकता है 3000 रुपए के आसपास, 100 रुपए और गिरावट होती है और ये मिलता है तो याद रखिएगा एक अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी। 50 DMA से हमेशा ये मूव करता हुआ नजर आ रहा है, बेहतरीन रिजल्ट, बेहतरीन सब कुछ यहाँ पर नजर आ रहा है। इसके अलावा स्टॉक्स में कोई कमी नहीं है, इसके अभी रिजल्ट देख लीजिए, रिजल्ट के बाद शायद रिजल्ट बेहतरीन आने ही है, सबके अच्छे आ रहे हैं, TCS के भी अच्छे हैं, ये शेयर फिर मूव करके आपको अच्छा खासा भाग के दिखा सकता है। अब इसके अलावा हम बात करेंगे और कुछ स्टॉक से रिलेटेड जिसका नाम है Vsoft। Vsoft की मैं अगर बात करूं, बेहतरीन स्टॉक्स है, ओके, इस शेयर का तो सानी ही नहीं है कोई, ये शेयर आपको अच्छा खासा भागता हुआ दिखाई देगा। ये शेयर अगर बात करूं, देखिए काफी टाइम से एक रेंज में चल रहा है, आज के यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया था तब ये भागा था, यहाँ पर बताया था फिर ये भागा था, अब दोबारा यहाँ पर एक अच्छा मौका मिल रहा है, 50 DMA के आसपास चल रहा है। आंख बंद करके इस पर्टिकुलर स्टॉक्स को आप उठा सकते हैं, आज के दिन में भी 2% की गिरावट थी, मेरे पोर्टफोलियो में ये स्टॉक है। इसके अलावा एक और स्टॉक से रिलेटेड बताना चाहता हूँ, इंटेलेक्ट डिजाइन। देखिए लार्ज कैप में आपको पैसा कम बनेगा, बट जो ये स्टॉक्स आपको बता रहा हूं ना, स्मॉल कैप और मिड कैप, ये स्टॉक्स ज्यादा भागते हुए दिखाई देंगे, तो इसकी तरफ ध्यान दीजिए। यहां पर आप देख सकते हैं एक साइडवेज जोन काफी टाइम से ये शेयर चल रहा है 700 रुपीज के, आपको अगर लास्ट टाइम इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहां पर आपको स्टॉक बताया था, उसके बाद यहां पर 900 कुछ रुपए की यहां पर इसने रैली बनाई थी, इसके अलावा एक लगातार गिरावट, और अभी यहां पर भी आपको स्टॉक सजेस्ट किया था, शेयर में अच्छा खासा है, याद रखिए आज के दिन भी भागता हुआ दिखाई दिया है। इसके अलावा यहां पर याद रखिए एक स्टॉक स्टैनला प्लेटफॉर्म, ये सारे आईटी स्टॉक्स से रिलेटेड बातें कर रहा हूँ, एक लंबा कंसोलिडेशन लगभग 10 महीने का कंसोलिडेशन है, और ये शेयर कभी भी यहाँ पर मूव दे सकता है, क्यों, क्योंकि इसका 1000 रुपीज के आसपास का इफ आई एम नॉट रॉन्ग यहाँ पर बाईबैक था, तो 1000 रुपीज को तो इसे टच करना ही करना है, इस चीज को याद रखिए, तो इसकी तरफ ध्यान दे सकते हैं। आपको ये स्टॉक्स यहाँ पर 800 के आसपास आपको मैंने बताया था, आज की डेट में फिर भी 100 रुपीज ये भाग चुका है। इसके अलावा एक और स्टॉक्स की अब बात करूंगा, आर सिस्टम, आर सिस्टम इंटरनेशनल, ये पर्टिकुलर स्टॉक्स है, ये स्टॉक्स देखिए 50 DMA के आसपास आ रहा है, इस स्टॉक्स को ले लीजिए, यहाँ पर बताया था इस स्टॉक्स को, अच्छा खासा ये भागा भी था, क्यों, क्योंकि बाईबैक था इसका, और ये बाईबैक जब भी इसका आ रहा है, बाईबैक इसका 225 रुपए के आसपास था, और बाईबैक कभी भी कंपनी जब करती है ना, तो उसका टारगेट हमेशा याद रखिएगा बढ़ेगा, तो ये 210 पे चल रहा है, मेरे टारगेट इसमें 300 रुपए है, 300 रुपए के आसपास आएगा तब जाके मैं इसमें निकलने की कोशिश करूंगा, वरना यहाँ पर अभी इन्वेस्टेड हूँ, इन्वेस्टेड रहूंगा। यहाँ पर बात करूँ KPIT, अच्छा 50 DMA के आसपास स्टॉक आ गया, इस बार ये जब भागेगा तो ये 400 से 450 रुपए के मूव देख के जाएगा, तो इस चीज को भी याद रखिए, काफी बेहतरीन, टाटा इलेक्सी से इसकी कंपैरिजन किया जाता है, तो इसकी तरफ ध्यान दीजिएगा। इसके अलावा एक और स्टॉक से रिलेटेड बातें कर रहा हूँ,
यहाँ पर है इक्लर्क्स। इक्लर्क्स की मैं काफी दिन से बातें कर रहा हूँ, काफी महीनों से बातें कर रहा हूँ, एक दो महीने से जब से यहाँ पर ये स्टॉक्स आया है। ओके, इसने यहाँ पर ऑल टाइम हाई बनाया था, यहाँ से स्टॉक बात करता हुआ नजर आ रहा हूँ, ऑल टाइम हाई पे मेरी भी बाइंग है। यहाँ पर ये शेयर का टारगेट की अगर बताऊँ तो 2800-2900 के आसपास का बाईबैक था और ये शेयर अब भागता हुआ दिखाई देगा। अच्छा खासा आज के दिन भी 3% भागा है, बट यहाँ पर 3% नहीं, ये शेयर आपको अच्छा खासा गेन देगा, लगभग 46% के यहाँ पर से टारगेट जब ये भागता हुआ दिखाई देगा। अभी रिजल्ट आएंगे, रिजल्ट के बाद ये अपर सर्किट में एएसएम की लिस्ट में, इस वजह से यहाँ पर मूव नहीं कर रहा, अदरवाइज अभी तक ये 3000 रुपए टच करता हुआ दिखाई देता। तो एएसएम की लिस्ट जैसे ही बाहर आएगा तब भागेगा, एज वेल एज रिजल्ट अच्छे आएंगे तो अपर सर्किट लगाता हुआ नजर आएगा, तो इसकी तरफ ध्यान दीजिए। तो ये कुछ पर्टिकुलर स्टॉक्स है जिनकी तरफ आपको ध्यान देना है, ये सारे के सारे बेहतरीन स्टॉक्स है। स्मॉल कैप, मिड कैप का और लार्ज कैप का एक कॉम्बिनेशन है, आपको जो अच्छा लग रहा है वो उसमें आप इन्वेस्ट करिए। आप सेफ बेट खेलना चाहते हैं, आप टीसीएस, टेक महिंद्रा, इंफोसिस की तरफ जाइए। अगर आपको थोड़ा सा और थोड़ा थोड़ा रिस्क लेके खेलना है तो यहाँ पर माइंडट्री, ओके, इंफोसिस, इनकी तरफ आप नजर बनाइए। और अगर आपको थोड़ा और ज्यादा रिस्क लेना है तो ई क्लर्क्स, ओके, आर सिस्टम, बिरला सॉफ्ट, केपीआईटी, ये स्टॉक्स है, इनकी तरफ ध्यान दीजिए। ये सारे के सारे स्टॉक्स अच्छे खासे स्टॉक्स है, इनके फाइनेंशियल काफी अच्छे है, क्वार्टरली ईयरली बेसिस पे कंपनी ने अच्छा बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया। आपके पैसों को ऑलरेडी किसी ने 2 गुना, किसी ने 3 गुना, किसी ने 4 गुना यहाँ पर किया है, बट और भी यहाँ पर नजर आती है आपके पैसे को बढ़ाते जाएंगे। तो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है। 50 DMA के आसपास जब भी ये शेयर मिले, यहाँ पर एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी मेरे हिसाब से आप बनती हुई नजर आती है। बट किसी के भी रिजल्ट अगर बेकार आते हैं तो, और ज्यादा बेकार आते हैं, एक आध क्वार्टर के लिए छोड़ दिए कह रहे, बट अगर ज्यादा ही बेकार आते हैं तो वहां से एग्जिट करके दूसरी तरफ जाइए। बहुत सारे एक पर्टिकुलर सेक्टर में स्टॉक मिल जाएंगे, तो एक को पकड़ के रहना एक गलत स्ट्रेटेजी है। तो वीडियो अच्छी लगी लाइक कमेंट शेयर करिए, यहाँ पर दूसरे वीडियोस को जाके लाइक करें, शेयर करें, देखिए, आपको पता चलेगी। यहाँ पर बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन हम देते नहीं है, फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करनी है। हमें पिंग करना है तो व्हाट्सएप नंबर है, पिंग करिए, आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।